अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनीज़। उसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल डाला एक पतीले में। ये देखिए, आलू कट करके रख दिए थे मैंने पानी में, क्योंकि अगर वैसे रख देती तो वो ब्लैक हो जाते। उसके अलावा मटर, सब्ज़ मिर्चें और दो टमाटर। सबसे पहले ऑयल में हमने डाला टमाटर को। बाद आप इसमें मटर ऐड करेंगे। देखिए जी, मैंने एक कटोरी मटर लिया। मटर को गलाने के लिए इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे। और इसको तकरीबन 5-1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद जो आलू हमने भिगो कर रखी होती है उसको भी हम लोगों ने इसका पानी निकाल कर हमने वो भी इसमें ऐड कर। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसमें कोई भी और ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड किए। इसमें नमक डाला, ये देखिए जी, अपने टेस्ट मुताबिक नमक आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जी, रेड मिर्च जो है वो आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, आधे सिरका। और इसके अलावा जो चिकन जो कि नॉर ये जो क्यूब है ये एक डालेंगे इसमें। इसके साथ इसमें जो जायका है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें हमने पानी ऐड कर लिया इतना कि जितना जिसमें ये मटर और ये जो आलू है ये अच्छी तरह। और इसके साथ ही आपने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। मैक्रोनीज़ मैंने 2 कप ली थी, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी किसी वजह से। तो 2 कप हमने मैक्रोनी लेकर उसको उबाल ली थी और इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल लिया था ताकि वो चिपके नहीं। और उसको जब अच्छी तरह उबल गई थी तो उसको हम लोगों ने छान लिया था और बस इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया था। ये देखिए, अच्छी तरह से पानी भी खुश हो चुका है, मटर भी डाल चुके थे, आलू भी डाल चुके थे। ये देखेंगे इसके फाइनल कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।